हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश भर में आज यानी कि शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि पर शिवालयों और मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखी जा रही है। काशी से लेकर कन्याकुमारी तक भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। शहर के सभी शिव मंदिरों में हर हर महादेव का जय घोष के साथ श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। पहली तस्वीर देखिए, एमपी की उज्जैन नगरी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव महाशिवरात्रि के पर्व पर अपने पूरे परिवार के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल को जल भी चढ़ाया। जय श्री महाकाल। विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाजी सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करे, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामनाएं। दूसरी तस्वीर देखिए, आज सुबह मथुरा के सांसद हेमा मालिनी भी महाकाल की नगरी पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। महाकाल जी का दर्शन करने आए और बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सबको जितने भी ये टीवी देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में आठवां है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। वहाँ पर भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली। पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया है। यहाँ पर भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए रात से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित है। चौथी तस्वीर देखिए, महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। आज सुबह से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए इतनी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही थी। महाशिवरात्रि को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार खास व्यवस्था की गई है। इस बार बाबा विश्वनाथ महाशिवरात्रि पर अपने भक्तों से सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़े। पांचवी तस्वीर देखिए, केरला के मंदिरों में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतार देखने को मिली। छठी तस्वीर देखिए, महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही सुबह पंचगप से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर लोक मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ट्वीट कर सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी थी। सातवीं तस्वीर देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में रौनक देखने को मिली। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और भक्तों ने लिंगराज मंदिर के दर्शन किए। भक्तों की भारी भीड़ देखते हुए पहले से ही मंदिर में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान देखिए कैसे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर काठमांडू के पशुपतिनाथ में भी भारी भीड़ देखने को मिली। शिवरात्रि के मौके पर मंदिर को तमाम तरह के फूलों से सजाया गया था। यही नहीं, यहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप भी हमारे माध्यम से कीजिए पशुपतिनाथ के दर्शन।
दिल्ली के पास महिपालपुर में स्थित शिव मंदिर में भी रात से ही भक्तों का पहुंचना चालू हो गया है। देश की अलग अलग तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग सुबह से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज यानी कि 8 मार्च को पूरे देश भर में कुछ ऐसे मनाया गया महाशिवरात्रि का त्योहार। मान्यता है कि शिवजी के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी के द्वारा पूजित हुए थे। पौराणिक कथाओं में ये भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। तो चलिए, आपने कैसे मनाई अपनी शिवरात्रि हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।